नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे मिस्र के कला स्थापत्य के संदर्भ में। और इसके पूर्व हम लोगों ने मिस्र को जानने की कोशिश की, जहां पर हमने मिस्र के राजनीतिक संगठन को समझा, मिस्र की सामाजिक स्थिति को समझा, और उसके बाद हमने बात की मिस्र के आर्थिक संगठन की, उसके बाद हमने धर्म को देखा। आज हम लोग बात करेंगे कला स्थापत्य के बारे में। जैसे कि कला के संदर्भ में आप सभी एक सामान्य जानकारी रखते हैं कि कला एक ऐसी विधा है जिसमें सुंदरता और आश्चर्यता का भाव दिखाई पड़ता है, जो हमारे मन को सुंदर लगे, जिसमें एक आश्चर्य का बोध हो, ऐसी सारी विधा को हम कला के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। तो मिस्र के संदर्भ में अगर हम देखें कि मिस्र की कला स्थापत्य की स्थिति क्या थी, तब हम देखते हैं कि मिस्र में जो कला निर्मित की जा रही थी, वो कला आश्चर्य के बोध को प्रकट करती है। क्यों आश्चर्य के बोध को प्रकट करती है? क्योंकि मिस्र में जो जिस कला का निर्माण हुआ है, उस कला में आश्चर्यचकित चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। वो आश्चर्यजनक चीज़ें क्या है? वो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, मिस्र में जो कला बनी है उसमें भव्यता और विशालता का भाव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ऐसी विशाल प्रतिमाएँ, ऐसी विशाल आकृति, ऐसी विशाल मूर्तियाँ शायद ही विश्व के किसी अन्य कलाओं में दिखाई पड़ती हों। और उसी का एक जीता जागता नमूना हमें पिरामिड के तौर पे दिखाई पड़ता है, जो विश्व के अजूबों में शामिल है। विश्व के अजूबों में उस पिरामिड को देखा जाता है। तो आज हम इस कला स्थापत्य के संदर्भ में गौर से बात करेंगे कि क्या क्या प्रमुख चीज़ें थी जो मिस्र की कला को विश्व की एक महानतम कलाओं में शामिल करते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि मिस्र की कला विश्व की कलाओं में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कलाओं में से एक है। लेकिन एक और चीज़ है, उत्कृष्ट कला के साथ साथ मिस्र की कला में अगर आप देखें तो अनुपातहीनता आपको दिखाई पड़ेगी। कैसी अनुपातहीनता? वो अनुपातहीनता दिखाई पड़ेगी मिस्र की प्रतिमाओं के आकार प्रकार को लेकर के, जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि जो शारीरिक बनावट दिखाई गई है मूर्तियों में, उसमें विशालता के साथ साथ अनुपातहीनता है। जहाँ एक तरफ शरीर के अंगों का जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार से किया गया है कि किसी शरीर के भाग को इतना अधिक बड़ा बना दिया गया है और किसी को इतना छोटा, जो अनुपातहीनता का प्रदर्शन भलीभांति करता है। तो आइए हम देखते हैं कि मिस्र की कला किस तरीके से थी और उसके बारे में इतिहासकारों और विद्वानों का क्या मत था। तो सबसे पहला जो मत उसके संदर्भ में दिखाई पड़ता है, पहले तो हम बात करें कि मिस्र की कौन कौन सी कलाएँ मिस्र में हैं। तो मिस्र की जो कलाएँ हैं, वहाँ पर हमें 5 प्रकार की कलाएँ प्रमुखता दिखाई पड़ती हैं। 5 प्रमुख प्रकार की कलाएँ वहाँ पर थीं। और पहली जो कला है वो मिस्र की कला जो पहली कला है वो मिस्र के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई है। आर्किटेक्चर जिसे हम वास्तुकला के तौर पर देखते हैं, और वास्तुकला के रूप में मिस्र में क्या क्या बनाया जा रहा था? मिस्र में बनाया जा रहा था पिरामिड वास्तुकला का, जो कि उत्कृष्ट नमूना है। साथ ही साथ बनाए जा रहे थे टेम्पल्स, मतलब मंदिरों का निर्माण हो रहा था। साथ साथ और भी भवन बनाए जा रहे थे, उसमें पिरामिड सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है और साथ में दिखाई पड़ते हैं टेम्पल्स या मंदिर। उसके बाद दूसरी जो प्रमुख कला है वो है स्कल्पचर आर्ट, जिसको हम मूर्ति कला भी कहेंगे और उन कलाओं में, मूर्ति कला में, हमें प्रमुख रूप से कौन कौन से मूर्ति कला प्राप्त हो रही है? हमें स्टोन, मतलब पाषाण पर बनी हुई मूर्ति, साथ ही साथ वुड कास्ट, लकड़ी पर बनी हुई मूर्ति, और साथ साथ मेटल, मतलब धातु पे बनी हुई मूर्ति। तो ये 3 प्रकार की मूर्ति कलाएं हमें मिस्र से प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा इंग्रेविंग आर्ट, अर्थात उत्कीर्ण उद्गृत, मतलब उकेर करके दीवारों पे जो आर्ट बनाई जा रही थी, उस प्रकार की आर्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो चौथी आर्ट है वो पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है। मिस्र की चित्रकला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मिस्र की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र
कॉफिन्स में, कफन मतलब जो उनका ताबूत थी उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र, मंदिरों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र, पिरामिड की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। तो मिस्र की जो चित्रकला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ है सेकेंडरी आर्ट्स अर्थात गौड़ कलाएँ। मिस्र में विभिन्न प्रकार की गौड़ कलाओं का भी प्रचलन था, जैसे कि कॉफिन ताबूत को बनाना, मुकुट को बनाना, विभिन्न प्रकार के भांड मतलब बर्तन बनाना, ऐसी बहुत विभिन्न प्रकार की कलाएँ मिस्र में गौड़ कलाओं के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये पांच प्रकार की कलाएं हमें मिस्र के इस कला स्थापत्य के इस चैप्टर में देखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इजिप्टियन आर्ट को सामान्यता क्या, कैसे उसको प्रदर्शित किया जाता था, तो उसके बारे में एक कहावत दिखाई पड़ती है, एक सेइंग है मिस्र की कला के संदर्भ में, अरबी कहावत है। और वो क्या कहावत है? वो कहावत है कि संपूर्ण विश्व समय से डरता है, लेकिन पिरामिड लेकिन समय पिरामिडों से संपूर्ण विश्व समय से डरता है लेकिन समय पिरामिडों से। एक ये सामान्य कहावत है मिस्र के संदर्भ में, ये एक अरबी कहावत है मिस्र की कला के संदर्भ में, जो कि हमें सामान्यता दिखाई पड़ती सुनाई पड़ती है विभिन्न माध्यमों से। इसके बाद मिस्र की कला के संदर्भ में एक और बात है, वो बात क्या है कि मिस्र की कला कला के लिए ना हो करके बल्कि उपयोगिता के सिद्धांत पर इसका निर्माण किया गया है। इजिप्टियन आर्ट वॉज नॉट डेवलप्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो मिस्र की जो कला है वो यूटिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि कला के सिद्धांत पर। इसके अलावा जो मिस्र के कलाकार थे उनकी जो तूलिका ब्रश थी वो परंपराओं से बंधी हुई दिखाई पड़ती थी, बल्कि स्वतंत्र नहीं दिखाई पड़ती थी। तो इजिप्टियन आर्टिस्ट ब्रश आर टाइड टू द ट्रेडिशन, इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। वो ट्रेडिशन मतलब परंपराओं से बंधी हुई थी, उसमें वह स्वतंत्रता दिखाई नहीं पड़ती है। साथ ही साथ उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम ये था कि मिस्र की जो कला है, जो कलाकृतियाँ है, वो ज़्यादातर एक ही सांचे में ढली हुई दिखाई पड़ती है। कैसी? एक ही मोल्ड में ढली हुई दिखाई पड़ती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सारी चीज़ें एक ही कारखाने से बन कल के आ रही थी, एक ही कारखाने से उसका निर्माण हो रहा था। और इसी वजह से मिस्र की कला को हम राजकीय कला के तौर पर देखते हैं, सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि राजकीय या राजा के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इस कला का निर्माण किया जा रहा था और शासकीय कला के तौर पर इसको देखा जा रहा था। इसके अलावा वहाँ पर एक शेख की मूर्ति मिली है काहिरा म्यूज़ियम में, और साथ ही साथ एक लिपिक की मूर्ति मिली है जो कि लूब संग्रहालय में इस समय रखी हुई है। इन दोनों मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोनों मूर्ति बहुत ज़्यादा यथार्थवादी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सजीव चित्रण किया जा रहा हो, एकदम प्रदर्शित कर दिया गया हो। आज भी इतने वर्षों के बाद भी वो मूर्ति सजीवता का प्रदर्शन करती हैं। साथ ही साथ मिस्र की जो कला है उसके संदर्भ में एक और बात है, वो ये कि शासकीय तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ऐसी कला है जिसको सामान्यतः एक विशेष वर्ग के द्वारा बनाया जाता रहा होगा, और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग प्रकार की कला को, मतलब एक ही मूर्ति को बनाने में कई मूर्तिकारों का प्रयोग लिया जाता रहा होगा। जैसे एक उदाहरण हमें मिलता है, और वो उदाहरण ये है कि एक मूर्ति है जिसको बनाने में कई एक से ज़्यादा कलाकार यूज़ में या उनका प्रयोग किया गया होगा, जैसे कि उसकी रूपरेखा किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई होगी, उसका उसकी जो कटाई छटाई है वो किसी दूसरे कलाकार के द्वारा किया गया होगा, उसके आँख तीसरे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई होगी, और उसके शरीर पर जो लेख है वो चौथे व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कई कलाकार मिल करके किसी एक कलाकृति का
निर्माण कर रहे थे। साथ ही साथ जो इजिप्टियन आर्ट है वैसा उदाहरण हमें भारतीय जो मौर्य काल है उसमें भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारतीय मौर्य काल में भी शासकीय कला का प्रचलन अधिक रूप से दिखाई पड़ता है। और इस इस मिश्र की कला का जो उदाहरण है वो हमें पिरामिड और मूर्तियों में और पेंटिंग्स में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मिश्र की कला आगे कैसे बढ़ी या उसका प्रमुख रूप क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मिश्र की कला में आर्किटेक्चर की, उसकी वास्तुकला की, क्योंकि हमने बताया कि पांच प्रकार की कलाएं इसमें थी। एक कला थी वास्तुकला, दूसरी है उनकी मूर्ति कला, तीसरी चित्रकला, चौथी उद्गृत कला और पांचवी गौड़ कला है, जिसमें सबसे प्रमुख जो कला है वो है वास्तुकला। और वास्तुकला के संदर्भ में आप जानते हैं भवन निर्माण कला को हम वास्तुकला के नाम से जानते हैं। और भवन निर्माण कला का यहाँ पर जो विशेषता है वो प्रमुख रूप से पिरामिड और मंदिरों के निर्माण के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन हम उसके इनिशियल फेज को भी देखेंगे कि कहाँ से भवन निर्माण कला की पद्धति इस मिश्र में आती है और कैसे भवन प्रारंभिक दौर में बनाए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करें उसके इनिशियल फेज के बारे में, उसके प्रारंभिक दौर के बारे में। तो प्राग राजवंशीय काल में मिश्र की जो कला थी, मिश्र की कला में जो भवनों का निर्माण हो रहा था, उन भवनों के निर्माण में मिट्टी और नरकुल का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि मिस्र की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो भौगोलिक परिवेश है, उसके कारण मिस्र में वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिसके माध्यम से वह मकानों के निर्माण में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग कर पाए, क्योंकि मिस्र में इमारती लकड़ियों की बहुत कमी, इमारती ऐसी लकड़ियां हैं जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और ईंटों को पकाने में लकड़ियां काम आती हैं। मिस्र के क्लाइमेट में प्रमुख रूप से शुष्कपन था जिसकी वजह से वहाँ पर इमारती लकड़ियाँ की उपज नहीं थी, इमारती लकड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए प्रारंभिक दौर में प्राग राजवंशीय काल में जहाँ पे शासन व्यवस्था या राजवंशों का दौर नहीं आया था, उस काल में जो दौर का मानव था वो भवन निर्माण के लिए मिट्टी और नरकुल का प्रयोग कर रहा था। लेकिन उसके बाद के दौर में जब प्राचीन राजवंशीय काल आ जाता है, उस काल में जहाँ पे राजवंश आ जाते हैं वहाँ पर धीरे धीरे उन मिट्टी और नरकुल के भवनों के स्थान पर धीरे धीरे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगता है भवनों के निर्माण के लिए, और पत्थर के प्रयोग से फिर बड़े बड़े भवन बनाए जाने लगते हैं। बाद के कालों में कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग भी होने लगता है और बाद में फिर पकी ईंटों का भी प्रयोग होता है, लेकिन पकी ईंटें सामान्यतः बहुत कम प्रयोग में लाई गई हैं क्योंकि वहाँ पर इमारती लकड़ियों का अभाव है। और आज भी कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते हैं वहाँ पर भवनों के निर्माण के लिए। तो प्रारंभिक दौर में ऐसी स्थिति थी, बाद में प्राचीन राज्यकाल में फिर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग भवन के निर्माण के लिए किया जाने लगता है। अब जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि प्राचीन राज्यकाल एक ऐसा समय था जिसे हम पिरामिड या पिरामिड काल के नाम से, पिरामिडों का दौर या तो पिरामिड के काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा काल था जहाँ पर मिस्र में पिरामिड बनने का दौर प्रारंभ हो जाता है, पिरामिड बनाए जाने लगते हैं। और पिरामिडों के संदर्भ में अगर हम एक सामान्य बात करें तो पिरामिड जो है वो सामान्यतः एक अरबी वर्ड जो है उससे मिलकर के बना है, और वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है पिरामस, वो वर्ड है पिरामस जिसका अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा, और वर्ड है पिरे मस। तो पिरामिड का जो सामान्यतः नाम डेवलप हुआ है वो पिरेमस की वजह से है, एक अरेबियन वर्ड है पिरेमस जिसका सामान्यतः अर्थ होता है ऊंचा। और पिरामिडों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि पिरामिडों की जो निर्माण है वो प्राचीन राजवंशी काल से शुरू होती है, लेकिन उसके पूर्व भी इसका अस्तित्व दिखाई पड़ता है। और वो अस्तित्व कैसे दिखाई पड़ता है, वो अस्तित्व दिखाई पड़ता है बरियल्स के रूप में, समाधियों के रूप में, क्योंकि पिरामिड को अगर आप देखें तो पिरामिडों का निर्माण समाधि स्थलों के रूप में हुआ है। उन पिरामिडों में फरों की जो शव है वो रखी जाती थी,
और उस शव को करने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके संदर्भ में हम लोगों ने धर्म में बात किया था कि उनकी परलौकिक अवधारणाएं थी और उन अवधारणाओं की पूर्ति के लिए वो पिरामिडों का निर्माण कर रहे थे और उन पिरामिडों में अपने फरों के कॉफिन या ताबूत को रखते थे और साथ ही साथ उनकी खान पान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी उसमें रखा जाता था। तो ये जो पिरामिड हैं, इन पिरामिडों के निर्माण का भी एक चरण है और प्रारंभिक दौर में, या हम कहें कि प्रागराजवंशीय काल में, इन पिरामिडों के स्थान पर एक कब्र बनाई जाती थी और एक सामान्यतः गड्ढा खोद के रेत का टीला बना लिया जाता था और उस टीले को पिरामिड, उस टीले को हम सामान्यतः समान समाधि के तौर पे देखते हैं। समाधियों का प्रचलन विश्व के विभिन्न आपको स्थलों में मिलेगा। जब मानव सेटलमेंट के दौर में आ जाता है और अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने लगता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल्स आपको विश्व के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ेंगे। तो वैसे ही कुछ समाधियाँ आपको यहाँ मिस्र में भी दिखाई पड़ने लगती हैं और रेत के टीले और ढेर के तौर पर वो प्रारंभिक दौर में अपनी कब्रों को बना रहे थे। बाद में क्या होता है कि उन कब्रों पर वो पत्थर और ईंटों का प्रयोग भी करने लगते हैं और वैसा ही कुछ प्रारंभिक स्ट्रक्चर मिस्र में उसके बाद दिखाई पड़ता है जिसको हम सामान्यतः मस्तबा के नाम से जानते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो ये कि पाषाण खंडों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए सबसे पहले मिस्र में ही दिखाई पड़ता है। ये प्रारंभिक या प्राथमिक जो है नमूना है, उदाहरण है विश्व के लिए जहाँ पर पाषाण खंडों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाने लगता है। तो ऐसे पाषाण खंड प्रारंभ में कब्रों के निर्माण में किया जाने लगता है और बाद में एक मस्तबा बनने लगता है। मस्तबा है क्या वर्ड है? मस्तबा ये क्या है? ये मस्तबा बेसिकली एक बड़ा सा चबूतरा है जो सामान्यतः मिस्र के लोग अपने घरों के बाहर बैठने के लिए या व्यापारी बैठ करके उसमें व्यापार करने के लिए उसका निर्माण करते थे और उसको हम मस्तबा के नाम से जानते हैं। और बाद में यही जो मस्तबा है वो समाधियों के नाम के तौर पर मिस्र में पहचाना जाने लगता है। ऐसा माना जाने लगता है कि जो मस्तबा है, जो चबूतरा है, वही किसी की समाधि होगी और ऐसे चबूतरे हमें विश्व के विभिन्न भागों में समाधियों के तौर पर दिखाई पड़ने लगते हैं, चाहे वो इस्लामियत हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। आप देखेंगे ग्रेवयार्ड्स में जाएंगे तो एक चबूतरे का निर्माण वहाँ पर दिखाई आपको पड़ जाएगा। तो सामान्यतः ये जो चबूतरा है जिसको मस्तबा मिस्र में कहा जाता था वो बाद में समाधियों के प्रतीक के रूप में डेवलप हो गया और इनिशियली प्रारंभिक दौर में उसको बैठने के स्थान के तौर पर जाना जाता था। और मस्तबा का एक सामान्य अर्थ भी है, वो अर्थ है बैठने का स्थान, प्लेस ऑफ सिटिंग। इसके बाद जब ये मस्तबा डेवलप हो गया, उसका नाम पड़ गया, तो फिर मिस्र में पिरामिडों का निर्माण का दौर भी प्रारंभ हो जाता है। और वो दौर कब से प्रारंभ होता है? वो दौर प्रारंभ होता है 2980 से। 2980 में ये दौर प्रारंभ हो जाता है जहाँ से हमें 2980 से ये दौर प्रारंभ होता है और तृतीय राजवंश के एक शासक थे, वो शासक का नाम तृतीय राजवंश के एक शासक थे जिन्होंने जोसोर नाम था उनका, उनका एक मंत्री था इमोतेप और उन्होंने 2980 में एक पिरामिड का निर्माण कराया था एक विशाल मस्तबे के ऊपर, मस्तबा मतलब चबूतरे के ऊपर, और उस चबूतरे पर 5 मंजिलों का निर्माण करवाया था और इसको सीढ़ी नुमा पिरामिड के तौर पर पुकारा जाता है, उसको सीढ़ी नुमा पिरामिड कहा जाता है। तो कौन थे? जोसोर के प्रधानमंत्री थे इमोतेप जिन्होंने ये व्यवस्था की थी, इमोतेप, और उन्होंने 5 फ्लोर्स का, 5 मंजिले का सकर में 2980 BC में एक पिरामिड बनाया था जिसको स्टेयरकेस पिरामिड अर्थात सीढ़ी नुमा पिरामिड कहा जाता है और इसकी सामान्यता ऊंचाई 59 मीटर थी, 59 meters। इसके बाद तृतीय राजवंश के एक शासक थे, कौन थे? स्नोफ्रू, जिन्होंने उसके स्थान पर स्लोपी मतलब ढालदार
एक पिरामिड का निर्माण करवाया था स्टेयर केस पिरामिड के स्थान पर, और ये पहला पूर्ण पिरामिड था, मतलब जो सीढ़ी नीमा पिरामिड था उसको पाट दिया गया और पूरा स्लोप वाला ढालदार पिरामिड, पिरामिड की आकृति अभी हम दिखाएंगे आपको, सामान्यता ये त्रिभुजाकार जो आकृति है उसको हम पिरामिड के तौर पर देखते हैं, तो पहले सीढ़ी नुमा पिरामिड था, बाद में उस पिरामिड को पाट करके ढालदार पिरामिड बना दिया गया। सीढ़ी नुमा पिरामिड किसने बनवाया? जोसोर के मंत्री इमोतिप ने 2980 में, और उसके बाद तीसरी ही डायनेस्टी के जो शासक थे फराओ थे स्नेफ्रू, उन्होंने एक पूर्ण पिरामिड बनाया जहाँ पे सीढ़ियों को पाट दिया गया और पूरा आकृति बन करके आ गई। इसको पूर्ण पिरामिड के तौर पे जाना जाता है, ये सबसे पहला पिरामिड कहलाता है। उसके बाद शासक आए किंग खुफरू, और ये चतुर्थ राजवंश से बिलोंग करते थे, और इन्होंने विश्व के प्रसिद्ध जो पिरामिड है जिसको हम गीजा का पिरामिड कहते हैं, जो कि मेम्फिस नामक नगर के पास में है मिस्र के, उस नगर के पास में गीजा में एक विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण कराया, और वो पिरामिड के निर्माणकर्ता थे खुफरू, जो कि मिस्र के चतुर्थ राजवंश से बिलोंग करते हैं, और वो पिरामिड आज भी स्थित है, बहुत सारे लोग उसे देखने जाते हैं और विश्व के अजूबों में शामिल हैं, विश्व के जो अजूबे हैं उनमें इन पिरामिडों को शामिल किया गया है, और उस पिरामिड का निर्माण खुफरू ने करवाया था जो कि गीजा में स्थित है। इस पिरामिड के संदर्भ में एक सामान्य बात दिखाई पड़ती है, वो ये कि इस पिरामिड के निर्माण में 100,000 श्रमिकों ने 20 वर्ष तक लगातार कार्य किया था। 100,000 श्रमिक 20 वर्ष तक लगातार कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो पिरामिड है ये 5.2 हेक्टेयर में बसा हुआ है, भूमि में है, लगभग 13 एकर्स में है ये। साथ ही साथ ये 150 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचा पिरामिड है। साथ ही साथ इसमें 23,00,000 शिलाखंड, मतलब स्टोन जो ब्लॉक्स हैं उनका प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ इसके आर्किटेक्चर के संदर्भ में कहा जाता है कि इतना ज़्यादा ये एक दूसरे से जुड़ कर के पत्थर लगे हुए हैं कि एक बाल भी इधर से उधर नहीं जा सकता। तो ये पिरामिडों के संदर्भ में बात है जो कि बहुत फेमस पिरामिड है ये, और ये जो पिरामिड है ये आज भी विश्व के अजूबों में शामिल दिखाई पड़ता है। इसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि गूगल मैप्स के थ्रू ली गई हैं, और गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू ली गई है, और कुछ पिरामिड आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। इनिशियली आप देखें ये जो है ये एक पिरामिड है, जिसमें आप देखेंगे कि सीढ़ी आपको दिख रही है, सीढ़ी नुमा पिरामिड आपको दिख रहा है, ये अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम मस्तबा भी कह सकते हैं। ये अर्लीस्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ये जो दूसरा पिरामिड है ये स्टेयर केस है, सीढ़ी नुमा, फिर इसके बाद इस सीढ़ियों को पाट दिया गया और एक संपूर्ण जो है वो भाग बना दिया गया, इसको ढालदार पिरामिड भी कह सकते हैं, और यही पूर्ण पिरामिड है, यही पूर्ण पिरामिड है जो कि स्नेफ्रू के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद फिर आपका ये गीजा का पिरामिड है, ये गीजा का पिरामिड है जो कि मेम्फिस शहर के पास में है, जिसको खुफरू ने बनवाया था। तो कैसे शुरुआत हो रही है? शुरुआत हो रही है इस चबूतरेदार आकृति से, उसके बाद सीढ़ीदार ये पिरामिड बना, उसके बाद ये ढालदार स्लोपी पिरामिड बना जिसे पूर्ण पिरामिड कहा जाता है, और उसके बाद फिर ये विश्व के प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड बने जो कि मेम्फिस नगर के पास में है, और ये पिरामिड अभी भी वहाँ पर है, स्थित हैं, और बहुत सारे लोग इन पिरामिडों को देखने जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे पिरामिडों के उत्पत्ति और उसके निर्माण के पीछे, तो पिरामिडों के निर्माण का जो औचित्य था वो बेसिकली समाधानों से जुड़ा हुआ है, और समाधान हो रहे थे वहाँ पर,
और ऐसे सावधान हमें विश्व के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ते हैं। सावधान करने के पश्चात उनके जो आकृति है, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा रही थी और विश्व के हर कोने में ऐसा हो रहा था, लेकिन इतना विशाल वहाँ पर क्यों बन रहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विशालता के संदर्भ में ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि मिस्र के जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि जो पिरामिड है वो पिरामिड इतना बड़ा बने कि वो ईश्वर के उतना ही निकट रहे। और उनका ईश्वर कौन था? उनका ईश्वर था ओमान रे, और वो ईश्वर है सूर्य। तो वो सूर्य के साथ निकटता की वजह से उसको इतना विशाल बना रहे थे। एक और वजह है कि इतना भव्य और विशाल आकृति वो क्यों बना रहे थे, इसके पीछे इतिहासकारों की ये भी मान्यता है कि मिस्र में रेतीले तूफान आते थे, झंझावात आता था, मिस्र में बाढ़ आती थी, मिस्र में सूर्य की दाहक जो प्रवृत्ति थी वो बहुत तीव्र थी, और इन सारी चीज़ों से मिस्र की जो आकृतियां हैं, मिस्र का जो स्थापत्य है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए इतनी विशाल स्थिति, इतनी विशाल आकृति की ये सारे स्थापत्य को बनाया गया है। और आज भी देखिए, इतने लंबे समय के पश्चात ये विशाल पिरामिड अभी भी सुरक्षित हैं। लगातार विभिन्न कालों में इन्होंने झंझावातों को झेला, विभिन्न आक्रमणों को भी झेला, उसके पश्चात मानव जो डिस्टर्बेंस है उसको भी झेला, उसके बावजूद ये पिरामिड आज भी उपस्थित है। तो इतनी विशाल आकृतियों को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो यही रहा होगा कि इनको लंबे समय तक बना करके रखा जाए। फिर एक प्रश्न उठता है कि इतने विशाल पिरामिड बनाए कैसे गए। तो पिरामिडों के बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें बेसिकली ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो आपके पहले सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा, बहुत सारे श्रमिकों का, जैसे कि मैंने बताया कि गीजा के पिरामिड में 20 लाख श्रमिकों का उपयोग किया गया था, तो पहले सीढ़ीनुमा तैयार किए गए और फिर वहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को लाद करके ले जाया जाता रहा होगा, और विभिन्न जानवरों का प्रयोग इसमें किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हाथियों का प्रयोग बड़े बड़े पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए किया गया होगा, और उन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर वहाँ तक पहुँचाए गए और उन्हीं बड़े पत्थरों को फिर धीरे धीरे रख करके आगे का स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा। और एक सामान्य सी ये बात है, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आपके पिरामिड हैं, ये इनके त्रिकोणात्मक ज्ञान को भी बताते हैं। ये बताते हैं कि इनको ज्यामिति और त्रिकोणों का बहुत ही अधिक ज्ञान था, जिसकी वजह से इन पिरामिडों के निर्माण में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती। तो पिरामिडों का निर्माण एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ थी मिस्र के लोगों के द्वारा, जो आज भी वर्तमान में दिख रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि सावधान से प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, और मिस्र के जो आप विभिन्न भाग हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी सावधान की स्थिति दिखाई पड़ेगी। इनको बेसिकली हम सामान्य अर्थों में मेगालिथ्स कहते हैं, ये मेगालिथिक आर्किटेक्चर है, और विश्व के विभिन्न भागों में ये दिखाई पड़ता है। आप देखें, ये सब समाधियाँ हैं और विश्व के विभिन्न भागों में ऐसी समाधियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी, जहाँ पर शवों को दफनाने के बाद उनके ऊपर इस तरीके से आर्किटेक्ट कर दिया गया हो। जैसे कि ये है, इस पे आप देखिए कि शवों को दफनाने के बाद बड़ा पत्थर रखने के बाद उसके ऊपर एक छतरी नुमा पत्थर रख दिया जाता है। इसके बाद ये एक है कि चारों तरफ से पत्थर लगा करके ऊपर से एक पत्थर घरनुमा स्थिति बना दी गई, और ये भी कहीं ना कहीं परलौकिक मान्यताओं से ही संबंधित दिखाई पड़ती है कि मरने के पश्चात भी लोगों को एक घर वाली आकृति मिल पाए और छाए में वो लोग रहें और वो सारी सुख सुविधाएँ उनको वहाँ मुहैया रहे मरने के बाद भी, जो जीवन के समय में भी उपलब्ध दिखाई पड़ती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी कुछ मेगालिथिक आकृतियाँ हैं, और ये भी कुछ मेगालिथिक आकृति है जिसमें कि पूरा किलनुमा या घरनुमा एक समाधि स्थल बनाया गया है। तो विश्व के विभिन्न भागों में प्रारंभिक दौर से, जब से मानव ने अपने लोगों का सावधान करना प्रारंभ किया, इस तरीके की समाधियां हमें दिखाई पड़ती हैं, और उन्हीं समाधियों का एक विस्तृत और बृहद रूप हमें पिरामिड के तौर पर मिस्र में दिखाई पड़ता है। तो मिस्र की कला में, स्थापत्य में पिरामिडों का एक बहुत विशेष महत्व रहा है। लंबे समय तक वो पिरामिड में लोगों की उत्सुकता का केंद्र रहे हैं।
आज भी विश्व के विभिन्न भागों से लोग उन पिरामिडों को देखने जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, जिसके संदर्भ में हमने बात की कि मिस्र की कला लोगों के अंदर आश्चर्य के भाव को प्रकट करती है, साथ ही साथ मिस्र की कला कला के रूप में ना होकर के उपयोगिता के सिद्धांत को भी दर्शाती है। और यहाँ पे पिरामिडों की उपयोगिता क्या है, यहाँ पे पिरामिडों की जो उपयोगिता है वह मानव शवों को, मानव शवों की देख रेख को, मानव शवों का सूर्य के साथ मिलन कराने को, उस पौरलौकिक मान्यता को बेहद तरीके से समायोजित करने को मिस्र में इन पिरामिडों के निर्माण को दिखाया जाता है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, आगे हम देखेंगे कि मिस्र में और कौन कौन से स्थापत्य डेवलप हुए जिसमें कि मंदिरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक भूमिका मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मिस्र में प्राचीन राज्यकाल में जहाँ पिरामिडों का बड़ा विशेष महत्व रहा है, वहीं मध्य राज्यकाल तक आते आते पिरामिड समाप्त होने लगते हैं और उसके बाद मध्य राज्यकाल के ही दौर से मंदिर भी दिखने लगते हैं और साम्राज्य काल तक आते आते मंदिरों के निर्माण में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। जैसा कि हम लोग धर्म के संदर्भ में जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि मिस्र में साम्राज्य काल के दौरान मंदिरों के निर्माण में तीव्रता आती है, बहुत सारे मंदिर बनाए जाने लगते हैं। और क्यों बनाए जाने लगते हैं, वो इसलिए कि देवताओं की पूजा, बहुदेववादी पूजा, साथ ही साथ शासक भी अपने मंदिर उस दौर में बनवाने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे मंदिर साम्राज्य काल में हमें दिखते हैं। और आतेन नामक इखनाटन के दौर में आतेन नामक देवता के मंदिर वहाँ पे बनाए जा रहे थे, ओमानरे के भी मंदिर थे, थुतमोस जो शासक था उनके भी मंदिर थे, रेमसिस के मंदिर थे, ऐसे बहुत सारे मंदिर साम्राज्य काल में हमें दिखाई पड़ने लगते हैं और वो मंदिर मिस्र के स्थापत्य के एक अद्भुत नमूने के तौर पे दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि मिस्र के संदर्भ में कहा जाता है कि जो प्रारंभिक दौर था वो शांतिपूर्ण था और उस दौर में विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण हुआ, लेकिन मिस्र में बाद के दौर में जब मिस्र में अर्थव्यवस्था और मिस्र में भ्रष्टाचार और विदेशी जातियों के आक्रमण भी हो रहे थे, तब भी उन लोगों ने अपने कला एवं स्थापत्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। जहाँ एक तरफ प्रारंभ में पिरामिड निर्माण किए जा रहे थे, बाद में मंदिरों ने उनका स्थान ले लिया। और एक और इसके संदर्भ में बात कही जाती है कि क्यों मंदिरों ने स्थान ले लिया पिरामिडों के पश्चात, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य का जो जुड़ाव था, वो लगाव था, वो ईश्वर के प्रति ज़्यादा होता गया, वो पौरलौकिक मान्यताओं को ना मान करके ईश्वर के प्रति ज़्यादा उसकी आकर्षणता बढ़ती चली गई, ईश्वर के प्रति वो ज़्यादा आसीन होता गया। उसका कारण था कि एक लंबे समय तक एक ससों के अधीन वो रहा, जहाँ से उसकी तर्कणा शक्ति धीरे धीरे छिन्न होती गई, समाप्त होती गई और वो पूरी तरीके से पुरोहितों के अधीन चला गया। पुरोहित जिस प्रकार से उनको आचरण करने को कहते थे वैसा ही वो आचरण करते थे, और पुरोहित आचरण जो करने को कहते थे वो थे कि ईश्वर की पूजा करो, और ईश्वर की पूजा अगर वो करे तो ईश्वर की पूजा करने के माध्यम से पुरोहितों के धन धान्य में वृद्धि हो रही थी। इसी वजह से मंदिर पूजा और उसका प्रचलन साम्राज्य काल में बढ़ जाता है, और यही वजह है कि साम्राज्य काल में पिरामिडों के स्थान पर मंदिरों का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि उनसे पुरोहितों की जो आय थी वो बढ़ चुकी थी और पूरी तरीके से पुरोहित उस समाज में हावी हो चुके थे। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग मंदिरों के संदर्भ में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से याद दिला दूं कि उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आपके सामने उपस्थित हों। और आने वाले समय में प्रयास रहेगा और भी ज़्यादा इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स आपको मिले, ताकि आप एक बेहतर जानकारी के साथ उस जानकारी का प्रयोग अपने अग्रिम जीवन में करें और दोनों लोगों के लिए जो प्रोसेस है वो एक बेहतर स्थिति को लेकर के आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।